नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इमरान लोंडे प्रोडक्शन की नई फिल्म लॉन्च हुई है। इस फिल्म की लॉन्चिंग से पहले कल जब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन के विदेश मंत्री वांगी से तशरीफ भिड़ा रहे थे, पूरा पाकिस्तान गदैया नृत्य कर रहा था। इस्लामाबाद के हवाई क्षेत्र में तैमन और टोपी बसंत की पतंग की तरह उड़ रहे थे, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को जो 54 प्रास चटाया था उससे यही लगा था मानो भिखारियों की मुराद पूरी होने वाली है। फिर जैसे ही पाकिस्तान ने चीन के आगे $2 बिलियन के लिए झोली फैलाई, चीन पाक भाई भाई की यह फिल्म वायरल होते ही फ्लॉप हो गई। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया। चीन ने मुल्ला बुल को साफ बोल दिया है कि कर्ज चाहिए तो बदले में उसे भी कुछ चाहिए, और चीन ने इसके लिए जो मांगा है उससे पाकिस्तान के टोपी तैमंद कब कराची के नालों में आ गए पता ही नहीं चला। चीन ने $2 बिलियन की एवज में गिलगित बाल्टिस्तान का एक बड़ा हिस्सा मांगा है। चीन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान उसे गिलगित बाल्टिस्तान को देता है तो चीन उसके बदले $2 बिलियन देने को तैयार है, जिसके लिए पाकिस्तान को इस विषय पर विचार करने को कहा गया है। इससे भारत पर भी कहीं ना कहीं बड़ा दबाव बढ़ गया है, पर इस बारे में इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। दरअसल चीन अपनी चालबाजी पर उतर आया है। उसे पता है कि उसने पाकिस्तान को उसके मालिक से दूर करने के लिए जो दांव चला था वह सही निशाने पर लगा है। पाकिस्तान का एकमात्र मालिक अब चीन बन चुका है। सऊदी अरब और अमेरिका की भीख पर पलने वाले पाकिस्तान का वजूद अब पूरी तरह चीन पर आश्रित हो गया है। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों से लेकर पाक की सत्ता तक पर कब्जा करने के लिए अपना जाल फेंक दिया है। चीन ने सऊदी से पाक के रिश्तों को पलीता लगाने के लिए मई महीने में $1 अरब देने में तनिक भी देर नहीं लगाई थी। यही $1 अरब पाक ने सऊदी को चुकाया है। मगर कल हेनान में कुरैशी ने वांगी से $2 बिलियन की मदद मांगी तो चीन सौदेबाजी पर उतर आया। हालांकि चीन ने पाकिस्तान को आयरन बर्दर कहकर फूस के घोड़े पर बिठाने की जरूर कोशिश की है। पाकिस्तान ने भी इस मौके पर चीन की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उइगर मुसलमानों, हांगकांग, तिब्बत और ताइवान के मसले पर चीन का खुलकर समर्थन किया। मगर इतनी तस्वीर प्रकटने के बाद भी पाकिस्तान को चीन से कोई मदद नहीं मिल पाई। वैसे पाकिस्तान में यह चर्चा जोरों पर थी कि कुरैशी का यह दौरा उनका अंतिम दौरा हो सकता है, क्योंकि फौज की आंखों में यह बयान बहादुर बुरी तरह से खटक रहा है। आशंका जताई जा रही थी कि कुरैशी को इसी बीच छोरों की तलाश में भेजा जा सकता है, पर बावजूद इसके बच्चा सहकुशल लौट आया है। गुरुवार को जब कुरैशी बीजिंग के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे वहां भी उन्हें बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। शी जिनपिंग सरकार ने प्रोटोकॉल के विपरीत किसी बड़े अधिकारी या नेता मंत्री को नहीं भेजा, बल्कि एक मामूली हवलदार को भेज दिया। जबकि किसी देश के विदेश मंत्री किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उस एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किसी विदेश मंत्री या फिर उनके समकक्ष के अधिकारी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री को चीनी पुलिस के मामूली हवलदार ने रिसीव किया। यह अलग बात है कि वह पुलिसिया डंडा साथ लेकर नहीं आया था। इससे पता चलता है कि चीन इन तैमंदबाजों को उइगर मुसलमानों से कमतर करके नहीं देखता है। वैसे भी यह फंटर मुल्क जिस तरह कटोरा उठाए दरवाजे खटखटाता घूम रहा है, उससे चीन भी कहीं ना कहीं इनसे तंग आ चुका है, क्योंकि इस मदरसा मुल्क को वजीर आजम हाउस में रंग रोगन कराने के लिए भी चीन से कर्ज लेना पड़ रहा है। आज हर छोटे बड़े काम के लिए पाकिस्तान को चीन के आगे तशरीफ बिछानी पड़ रही है। दरअसल सऊदी की बची रकम लौटाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन से कर्ज मांगने गए थे। उन्हें लग रहा था कि चीन उन्हें देखते ही झोली में डॉलर की बरसात कर देगा, लेकिन ड्रैगन ने ऐन वक्त पर ऐसी चाल चली कि पाकिस्तान के होश फाकता हो गए। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देने से एक झटके में ही मना कर दिया। चीन ने अपना रुख साफ कर दिया है। उसने कहा है कि वह लगातार पाकिस्तान को इस तरह कर्ज नहीं दे सकता है, क्योंकि उससे पैसे वापस आने की उसे कोई उम्मीद नहीं दिखती है। चीन ने कहा है कि वह एक शर्त पर कर्ज दे सकता है, अगर वह गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा उसको दे दे। चीन की नजर बहुत सालों से गिलगित बाल्टिस्तान पर गड़ी हुई है। चीनी कंपनियां इलाके के विकास के बहाने यहां बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर चुकी है। ये कंपनियां इस इलाके के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है, जिसमें सोना, प्लेटिनम, कोबाल्ट और कीमती रत्न और कीमती धातुएं शामिल है। यहाँ के स्थानीय लोग चीन का लगातार विरोध कर रहे हैं, जिनमें शौकत कश्मीरी और मुमताज खान जैसे लोग फौज की जादितों का शिकार बने हैं। चीन हिस्से को अपने अधिकार में लेकर अपने तरीके से लूट करना चाहता है, क्योंकि चीन किसी भी विरोध को ताकत से कुचलने के लिए बदनाम है। बताया जाता है कि गिलगित बाल्टिस्तान में $200 अरब की खनिज संपदा मौजूद है, जिसे हासिल करने के लिए चीन बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। इसी गिलगित बाल्टिस्तान पर भारत अपना दावा करता रहा है। भारत ने पाकिस्तान को सख्त शब्दों में इस इलाके को खाली करने के लिए कहा है, जबकि पाकिस्तान भारत के किसी हमले के डर से यहां चीन की उपस्थिति बढ़ाता जा रहा है।
लेकिन मदरसे के मुल्ला इस बात से अनजान है कि चीन ने विकास के ख्वाब दिखाकर गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जे का मन बना लिया है। परसों वांगी और कुरैशी की मुलाकात में चीन की यह चालबाजी भी सामने आ गई, जिसमें उसने स्पष्ट कर दिया है कि कर्ज चाहिए तो गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को सौंपना होगा। जानकर हैरानी नहीं होगी कि पाकिस्तान ऐसा कोई फैसला ले सकता है जिसमें वह जीबी को चीन के हवाले कर सकता है। पाकिस्तान को पैसे की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, सिवाय चीन के उसको कर्ज देने वाले मुल्कों से उसके रिश्ते खराब हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक मजबूर मुल्क बन गया है। इस वक्त उसके ऊपर सऊदी अरब के 520 करोड़ डॉलर की देनदारी की तलवार लटक रही है। इस कर्ज को चुकाने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। ऐसे में वह चीनी दबाव में गिलगित बाल्टिस्तान का कुछ भाग सीमित अवधि के लिए लीज पर चीन को दे सकता है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम उठा दिया तो फिर जीबी का असर भी अक्साई चीन जैसा हो सकता है, पर असली मामले तक जाओगे तो यह और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मुल्लाओं की मदरसा नीति में एक गहरा षड्यंत्र साफ साफ नजर आता है। पाकिस्तान जीबी का मसला उठाकर भारत पर भी अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान को यह कदम उठाने से रोकने की जरूर कोशिश करेगा। पाकिस्तान की मुल्ला नीति यही है कि उसको ऐसा करने से रोकने हेतु भारत सऊदी अरब से पाकिस्तान से कर्ज वापसी का दबाव कम करा सकता है। भारत सऊदी से अपने करीबी रिश्तों की बदौलत उसे इस बात के लिए राजी कर सकता है कि वह पाकिस्तान पर फिलहाल अपने कर्ज के लिए प्रेशर ना बनाए, क्योंकि भारत किसी भी परिस्थिति में जीबी को चीन को नहीं सौंपने देना चाहेगा। मतलब पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान में चीन का कनेक्शन जोड़कर कुछ और भी कहानी रची जा रही है। इस तमाम मसले पर भारत पर एक बार फिर दबाव बढ़ गया है कि वह पीओके पर अपने एक्शन में अधिक ढील नहीं दे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही पीओके के लुटेरे बन चुके हैं। भारत को इस इलाके की वापसी के लिए जोर शोर से प्रयास करने की आवश्यकता है, खासतौर से आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बोली लगने की घड़ी आ रही है। इसमें सबसे पहले पीओके, उसके बाद बलूचिस्तान की बोलियां लगाई जाएगी। बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट से लेकर रेकोडिक की खानों पर चीन पहले ही अपना कब्जा जमा चुका है। पीओके में डाइमर पासा बांध के निर्माण के बहाने चीन ने यहां भी अपनी पैट बढ़ानी शुरू कर दी है। ऐसे में भारत द्वारा किया जा रहा विलंब पीओके को हासिल करने में और बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान अपने ऊपर लदे कर्ज में जिस तरह भारत को मोहरा बना रहा है, उससे भारत की परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।